हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन एच एंड डी फॉर द सेम चेंज इन जी। देखो एच और डी के बीच का रिलेशन बताना है। एच मतलब हाइट, यानी कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जितना हम जाते हैं वो हाइट होती है, और डी मतलब डेप्थ, यानी कि बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जो हम जाते हैं वो क्या होती है, डेप्थ होती है। इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है जब चेंज क्या हो, जी का सेम हो। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है आपको कि जैसे ये अर्थ है आपके, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जैसे मान लो आप यहाँ से इतनी हाइट पे गए, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी हाइट पे गए, तो यहाँ जो जी की वैल्यू होगी ना, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ जी की वैल्यू कितनी है, मान के चलो आप यहाँ हाइट पे, किसी हाइट पे मान लो 9.1 है, ठीक है, तो यही सेम वैल्यू डेप्थ में कहाँ होगी, ठीक है ना, मतलब डेप्थ में हम कितना नीचे जाएंगे कि यही सेम वैल्यू यहाँ पर मिले डेप्थ में भी। तो वो एच और डी का भी आपसे रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ, जी डैश इज इक्वल टू में जी वन माइनस में 2h/r, ये रिलेशन आया था कि नहीं आया था बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का। अगर आपको याद हो, ये आपके पास जब हमने डेरिवेशन की थी तो ये बना था जी डैश इज इक्वल टू में जी वन प्लस में, ये था आपके पास वन प्लस में एच बाय आर का स्क्वायर, ये था, ठीक है। अगर आपको याद हो जो हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे तो उनमें ये कहानी की थी हमने, ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं लगाया था, बिकॉज ये किसके लिए होता है, जिसमें एच जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू आर, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो जो नॉर्मल न्यूमेरिकल थे जहाँ पर उसने कहा था कि 36% रिड्यूज हो गई जी जब हम हाइट एच पे गए, तो उस केस में तो फिर हमें क्या करना था, ये नहीं लेना था, बिकॉज 36% रिड्यूस होने का जी का मतलब क्या था कि बहुत ज़्यादा हाइट पे गए आप तभी 36% रिड्यूस हो गया जी का, क्योंकि देखो ये तो पता है ना आपको, हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं तब भी डिक्रीज होता है जी, और जब हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं तब भी डिक्रीज होता है जी, और सेंटर पे तो जी जीरो ही होता है, ये आपको पता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो ये वही कहानी है कि वहाँ तो 36% अगर रिड्यूस हम बता रहे हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर तो ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, क्योंकि एच वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है आर से, समझ रहे, जहाँ एच बहुत ही कम है आर के कंपैरिजन में, तब हम ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं, जिसमें आपको याद हो ये चीज़ हमने कैसे निकाली थी, ये जी बना था ये वन प्लस में एच बाय आर, ऊपर जाके क्या बन गया था ये माइनस टू, और फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई थी, तो हमने ये क्या कर दिया था, जी वन और ये माइनस टू, इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले से, क्योंकि वन प्लस एन एक्स होता है, क्योंकि वन प्लस एक्स की पावर एन बाइनोमियल में क्या होता है, वन प्लस में एन एक्स होता है, और हायर पावर्स को हम इसमें निग्लेक्ट करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है जब ये टॉपिक कराया था। यहाँ जिस जस्ट आप ये समझ लो कि हम ये नहीं लेके चले, कहीं सोचेंगे ना कि न्यूमेरिकल में तो ये लिया था अभी पीछे आपने और यहाँ पर ये वाला ले लिया, तो क्या मतलब है ये कहानी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है, तो यहाँ पर ये आ गया था वन माइनस में टू एच बाय आर, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर लेके ये चल रहे हैं फॉर्मूला, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने की कहानी थी आपको, क्लियर, आपको ये समझना है यहाँ पर सिर्फ क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या था हमारे पास, अगर याद हो आपको जो हमने करा था, ये था आपके पास जी डैश इज इक्वल टू में जी वन माइनस में, ये क्या था आपके पास, डी बाई आर था, क्या आया था, डी बाई आर आया था, ठीक है जी, इसमें कोई बाइनोमियल बाइनोमियल वाली कहानी नहीं थी, सिंपल ये फॉर्मूला आपके पास इसमें बना था, ठीक है। अब देखो जो हमें रिलेशन निकालना है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि सेम चेंज होगा जी में, तो यानी कि ये जी डैश और ये जी डैश इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ पर ये हाइट एच वाला लिख लूँ और ये डेप्थ डी वाला लिख लूँ, तो जो हमारे पास ये कहानी बनती है फॉर द सेम चेंज इन जी, तो यानी कि जो जी ऊपर है वही जी नीचे है, अगर उसका हम देखें तो यहाँ पर ये जो जी एच डैश वाला है और ये जी डी डैश वाला, ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखो जब हम इक्वल करेंगे इनको, इन दोनों को, तो वैल्यू देखो रखते हैं यहाँ, जी वन माइनस में टू एच बाय आर, और इधर से इस वाले की वैल्यू क्या आई है, ये जी वन माइनस में डी बाय आर, ठीक है जी। देखो जी से ये जी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें ये जो बचा यहाँ पर वन माइनस में टू एच बाय आर, ये मैं यहाँ करता हूँ इसको, देखो ये बचा आपके पास वन माइनस में टू एच बाय आर और ये वन माइनस में डी बाय आर, तो यहाँ से देखो जरा ये वन से ये वन कट गया, पता है ना सेम साइन वाले कट जाते हैं इधर उधर, नहीं तो इसको लेके जाते इधर तो माइनस वन होता तब कट जाता प्लस वन के साथ, ठीक है, नहीं तो ऐसे काट सकते हो आप। और देखो यहाँ पर ये बचा आपके पास माइनस का टू एच बाय आर और ये माइनस का डी बाय आर, माइनस से ये माइनस कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, क्या बचा यहाँ, टू एच इज इक्वल टू में डी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, डी इज इक्वल टू में टू एच, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि जो वैल्यू एच पे होगी, समझ रहे हो, जो मान लो वैल्यू कुछ भी जो भी एच पे है वही वैल्यू किस पे होगी, डी पे होगी, जब डी कितना होगा, टू ऑफ एच होगा। टू ऑफ एच का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे मान लो ये इस चीज़ कहानी समझ में आ रही है, ये देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, ये जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है,
और ये अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, ये एच, ये मान लो यहाँ ये 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पे जो भी जी की वैल्यू है, ठीक है, वही सेम जी की वैल्यू कितना हम डी नीचे जाएं, मतलब डेप्थ पे कितना जाएं कि वही सेम वैल्यू आए, तो डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2h, 2h मतलब 2 × 10 कितना जाएंगे, 20, 20 किलोमीटर यहाँ से हम अंदर जाएंगे, ठीक है ना जी, ये मान लो जी ये क्या है हमारे पास सेंटर है इसका, 20 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे यहाँ इस पॉइंट पे मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सेम होगी जो कि हमारे पास 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ गए, वही सेम वैल्यू जी की कहाँ मिलेगी हमें, नीचे 20 किलोमीटर जब हम जाएंगे डेप्थ पे तब मिलेगी। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको, d इज इक्वल टू में 2h, क्लियर है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो h इज इक्वल टू में 2d/2, ठीक है ना। अब जैसे मान लो h इज इक्वल टू d बाई टू का मतलब क्या है कि अगर d आप 20 गए, 20 गए यहाँ, 20 गए, ठीक है, तो h कितना जाओगे इसका, हाफ जाओगे, h कितना है d बाई टू, हाफ 10 पे जाओगे, समझ पा रहे हो बात को। तो बिल्कुल सिंपल सी ये कहानी है कि जितना आप h पे g की वैल्यू लोगे, अगर वही सेम वैल्यू आपको डेप्थ में चाहिए ना तो उसके डबल चल जाओ, अगर 10 किलोमीटर आप ऊपर गए हो, वही जो g की वैल्यू वही सेम आपको डेप्थ में चाहिए तो कितना किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा आपको डेप्थ में, 20 किलोमीटर डेप्थ में जाना पड़ेगा, ये मतलब है इधर से d इज इक्वल टू में 2h, d कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ हाइट होना चाहिए, वही तब मिलेगी आपको सेम वैल्यू g की, ये रिलेशन है, बताओ समझ में आया। तो यहाँ यही लिख रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी सेम एज डेप्थ, जब कितनी होगी, d इज इक्वल टू 2h होगी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, समझ रहे हो, तब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो h पे है वही आपको डेप्थ d पे मिलेगी, कब, जब d कितना होगा, ट्वाइस ऑफ हाइट होगा, क्लियर, इतनी बात बताओ समझ में आया ये, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक अफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, ठीक है, तब तक के लिए करो जरा, ओके जी, थैंक यू।